दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत एक्जोरा प्लांट के बारे में। और एक्जोरा आप लोग को पता ही है बंचेस में फूल खिलते हैं और इनमें जो कलर आते हैं डिफरेंट डिफरेंस रहते हैं। मेरे पास वाइट, रेड, पिंक और एक मिनेचर वैरायटी के जो कि पिंक कलर का है और येलो कलर का है। तो अभी फर्स्ट जो फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है वाइट कलर में देख सकते हो और बंचेस में मतलब इस तरीके से आए हुए हैं। बंचेस में खिलते ही हैं कुछ, मतलब एक दो फूल खिल चुके हैं, बाकी अभी कुछ कलियां आ रही हैं इस तरीके से। लेकिन जब एक साथ खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक बॉल टाइप का बन जाता है। तो इसी तरीके के अगर आप लोगों को फ्लावरिंग चाहिए दोस्तों तो अपने प्लांट पर ऐसा क्या क्या करना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इस बारे में आज आप लोगों को मैं बात बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करूँ दोस्तों तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है जो हमारा एक्जोरा होता है एक परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है। आप कभी भी किसी भी टाइम में इनसे फ्लावर ले सकते हो। सर्दियों में भी फ्लावरिंग करते हैं लेकिन ये रहते हैं डोरमेंसी में, लेकिन जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है, डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होता है, इनमें ग्रोथ भी होने लगती है। साथ साथ में दोस्तों क्या होता है इसमें फ्लावरिंग भी होने लगती है। तो हमें जैसे कि अभी विंटर सीजन जा चुका है तो हमने क्या प्रूनिंग करी हुई थी फरवरी और मार्च में, दोनों टाइम में जितने प्लांट थे सारे में मैंने प्रूनिंग करी हुई थी अभी, जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छे से हो रही है। लेकिन साथ साथ में हमें जैसे इसमें फ्लावर आ रहे हैं इनके साथ साथ में हमें अच्छे से फर्टिलाइज़र भी देना होता है ताकि अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारे सूखे हुए इसमें देखते तो पत्तियाँ, जो ओल्ड पत्तियाँ होती वो भी थोड़ी सी बर्न हो जाती, कभी कभी पानी लेट लपाट हो जाता है यानी धूप तेज़ होने लगी है तो जिसकी वजह से पत्तियाँ सूख जाती। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा लेट नहीं किया पानी के बारे में, जिससे अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हमारे फूल सूखते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, फूल हरे भरे, पत्ते जो ओल्ड लीव्स हो जाती हैं इस तरीके से बर्न हो जाती है तो इनको हमें हटा देना चाहिए। क्योंकि हम इनको नहीं हटाएंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ये पत्तियाँ ले जाती हैं, तो पूरी एनर्जी हमारे फ्लावर प्लांट पे होना चाहिए ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, जिनको हमें इस तरीके से रिमूव कर देना चाहिए ताकि अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। तो जितनी भी सूखी पत्तियाँ दोस्तों उनको इस तरीके से रिमूव कर दें। आप चाहे तो गमले में ही डाल दें, लेकिन क्या करना है गमले में नहीं डालना, इनको हटा देना है क्योंकि हमें देना फर्टिलाइज़र, तो उसके लिए हमें यहाँ पे गुड़ाई वगैरह करनी रहती है। इस तरीके से सारी जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको रिमूव कर देनी है। साथ साथ में हमें अगर फर्टिलाइज़र ही देना है तो हमें फ्रेंड्स गुड़ाई भी करते रहना है, हर 15 दिन पे गुड़ाई ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि गुड़ाई होने से जो ऊपर की मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है, नीचे भी ऊपर हो जाती है, इससे इसमें एयर सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है जिससे प्लांट आपका बहुत ही हेल्दी रहेगा। कभी कभी होता है ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर ऐसा होता है कि नीचे फंगस वगैरह लगते हैं, अगर गुड़ाई कर देंगे तो भी चांसेस जो होते हैं बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इस तरीके से 1-2 इंच की गुड़ाई ज़रूर करते रहें आप। और देखिए मिट्टी आपको ऊपर से सूखी लग रही है लेकिन देखिए नीचे से बिल्कुल नमी है, तो मिट्टी में हमेशा इसी तरीके से आपको नमी रखनी है। गमले में लगे हुए पौधे की फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि नमी आपको हमेशा बना के रखनी है, बिल्कुल सुखा के भी नहीं रखना है ना ही ज़्यादा गीली करके रखना है। अगर जहाँ पर मिट्टी आपकी गीली या दलदली हुई वहीं पे आपका जो पौधा है ख़राब होने लगेगा, सड़ने लगेगा, रूट रोट हो जाएगा, जिससे आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो अक्सर हमें अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर छोटा प्लांट है दोस्तों तो छोटे गमले में लगाएं, बड़े गमले में बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो ओवर वाटरिंग के इस तरीके से ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमें गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से। गुड़ाई के बाद में आप जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हो चाहे वो लिक्विड का हो या फिर क्या कहते हैं ग्रेन्यूल में दे रहे हो, सूखी खाद जो भी पत्तियों वाली खाद हो और गोबर की खाद हो, वो चीज़ जो देनी है वो आप गुड़ाई के बाद दीजिए। अगर मिट्टी आपकी गीली है तो धूप दिखा दीजिए, 1-2 घंटे आपकी मिट्टी जब सूख जाए तब आप फर्टिलाइज़र दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, बिल्कुल फ्री का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, बिल्कुल किचन वेस्ट है ये और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला दोस्तों ये फर्टिलाइज़र है मैंने जो बनाया है। और ये है हमारा जो चने होते नहीं छोले उनके पानी हैं, अगर हम जब भिगो के रखते हैं 1 दिन के लिए तो थोड़ा सा उसमें लाइट ब्राउन रहता है, लेकिन 2 या 3 दिन तक इस तरीके से अगर हम कंपोस्ट करके रखते हैं तो बिल्कुल डार्क कलर हो जाता है, जो कि हमारे पौधों के लिए दोस्तों बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरीके से दे सकते हैं। इसमें आपको
भारी मात्रा में पोटेशियम मिल जाएगा और इसमें मिलेगा आपको आयरन, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसको आप चाहें तो पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हो या डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हो, दोनों तरीके से ये देने वाले होते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें ज़रूर दें अपने एक्सोरा के प्लांट को। बहुत ही इस तरीके की हैवी ब्लूमिंग पाने के लिए ये फर्टिलाइज़र आपके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स क्या क्या है, इनको 3 या 4 दिन तक ही भिगो के रखा था, जिसकी वजह से ये अच्छे से डिकम्पोज्ड हो चुके हैं। इनको पानी में ऐड करके आपको देना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बना के रखा हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी में इतना 1 कप डाल सकते हो, जिससे आपका जो पौधा है उनके लिए काफ़ी होगा। और ज़्यादा देना भी नहीं है ना ही कम देना है, जितनी की नीड हो 1 कप नहीं काफ़ी होता है। आप इनको हर 15 दिन में दे सकते हो पौधों को। और इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनके लिए काफ़ी होता है। तो जैसे कि आपको पता है बंचेज में फूल खिलते हैं और ज़्यादा मतलब खिलते हैं, तो ऐसे पौधों को हमेशा दोस्तों लगभग 15-20 दिन में फर्टिलाइज कर देना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल हो। केमिकल वाला थोड़ा लेट में करके दीजिएगा, लेकिन इस तरीके के ऑर्गेनिक जो होते हैं घर का, फ्री का, किचन का, वो आप 15 दिन में हफ्ते में एक बार देते रहें, ताकि आपका प्लांट इसी तरीके से हैवी फ्लावरिंग करता रहे। तो किस तरीके से आपको देना है, मैंने यहाँ पे देखिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी कर ली है, और इस तरीके से चारों तरफ से आप घुमा के अपने इस प्लांट को दे सकते हैं। और फ्रेंड्स ये सारा काम आप इवनिंग में करिएगा, अगर पौधों में इस तरीके से नमी रहेगी तो ये जल्दी से काम करेंगे। लिक्विड वेस्ट पे देना दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, हमेशा आपके फ्लावर प्लांट में ये बहुत जल्दी असर करता है। तो लिक्विड में दीजिएगा, पानी का भी काम करेगा गर्मी में, साथ साथ में फर्टिलाइज भी करता रहेगा। आप चाहे सूखी खाद भी बना के दे सकते हो या फिर इस तरीके से पानी में लिक्विड में भी बना के दे सकते हैं, जो कि आपके पौधे के लिए बहुत ही हेल्पफुल। इनको आप जितने भी फ्लावर प्लांट है या वेजिटेबल प्लांट है उनको दे सकते हैं। तो अगर जैसे हम लोग एप्सम सॉल्ट यूज़ करते हैं हैवी फ्लावरिंग के लिए, हैवी फ्रूटिंग के लिए, तो ये जो चने का पानी होता है, काबली चने का पानी, वो तो बेस्ट होता ही है। तो अगर आप देना चाहते हैं तो इनको आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो, नए प्लांट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।